तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि मेरी मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग तो मेरी बहुत पहले हुई थी, मैं जिम गया था। 8 में मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, मैं जिम गया था। बाकी जिम की मैंने रिकॉर्डिंग लिया नहीं क्योंकि मैंने पहले वाले ब्लॉग में डाला हो, तो बार बार आप लोगों को बताओ तो आप बोर हो गए इसके डाला नहीं। और मेरे को एक लोग एक से मिलाना है, मेरे घर में एक जन आया रुकने के लिए, वो साल में एक दो बार आते हैं, मतलब यहाँ पर ही रहते हैं मगर साल में एक से दो बार आते हैं हमारे घर में रुकने के लिए। तो मैं आपको मिला था, आ रहा हूँ बाहर हूँ मेहमान से आप लोग को मिलाने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, दादी को थोड़ा कम सुनाई देता है, बाकी दादी ऑल फिट है, दादी को सब दिखता है। दादी चल के आते हैं हमारे घर पे इतना दूर से, और दादी एक्चुअली रहते हैं मेरे बड़े अब्बा के घर पे, मतलब मेरे बड़े अब्बा यहाँ से कुछ 2 मिनट का रास्ता है हमारे घर से। तो दादी तो भी एक साल में एक बार ही आते हैं, क्यों ऐसा दादी? एक साल में ध्यान रखो, हाँ अच्छा रखो, दुआ करो उसके वास्ते, हाँ आमीन। और दादी तुम एक साल में एक बार उसके घर के घर हो जाए, संदीप में सारे ऐसा हो जाए, आमीन आमीन। दादी तुम बाजू में रहते हो ना, हमारे बड़े अब्बा के वहाँ रहते हो ना, तो भी साल में एक बार क्यों आते हो यहाँ पर? आते तो बच्चे हो ज्यादा रहे, तो रोज आना चाहिए ना, साल में एक बार क्यों आते? तो 2 महीने में 3 महीने में एक बार आओ। गाइस जब झूठ बोलते हो उनका 1 महीना बोले तो 1 साल जितना हो जाता है, 1 साल, 1 साल में एक बार आते हैं, क्यों ऐसा? ये दादी मेरी दादी माशाल्लाह। तो गाइस दादी बोल रहे मैं इतनी तारीफ मत कर, मेरा पाँव दुखेगा बहुत। मैं दादी ना वहाँ से ज्यादा हाँ हाँ दोबारा बैठ गया, अच्छा चलो ठीक है। सो गाइस दादी को माशाल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ भी इसी में तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी होना चाहिए। ये उम्र में भी वो इतना लंबा चलते हैं। बाकी मेरे को देखो, बाकी कितने लोग को देखो, आज मेरी मम्मी को भी देखो, मम्मी को भी पैर दुखते हैं, मम्मी थोड़ा भी चलते हैं, बाकी मेरी दादी इतने एजेस है तो भी चल के आते। आपने मेरी दादी से तो मिल लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। नहाने का मेरे को मतलब जो मैंने आपको बोला था कल 2-3 काम है, काम पटाना है, तो उसमें से एक काम हो गया था, अभी 2 काम पटाना है, फिर उसके बाद जाते हैं नौसिंगे, वहाँ नौसिंगे देखते हैं क्या हाल चाल है क्या नहीं। हो चुका रेडी, नहा धो के अभी मैं देखता हूँ मम्मी ने मेरे लिए डैडी का खाना बनाया क्या नहीं बनाया। मम्मी हुआ कितना टाइम जाएगा बाबा? मशीन है क्या हाथ पे? आते और यहाँ पर काम करे क्या हुआ? तो गाइस कल बहुत भागम दौड़ी हो गई थी, मामू से परेल गए थे, परेल से फिर मरीन लाइन है, 2-3 मिनट फाइनली हमने ले ली वो चीज़, और कल शायद आ जाएगा, जब ब्लॉग आएगा उसके बाद वाला ब्लॉग बनेगा तो शायद कल तक आ जाएगा वो चीज़। तो हो गया मेरा डाइट का खाना रेडी, तो गाइस आपको मिलता हूँ खाने के बाद। तो गाइस मेरा हो गया नाश्ता, अभी मैं जा रहा हूँ काम से। चलो अभी जैसे काम पड़ा था वैसा आपको बताता हूँ मैं क्या क्या काम करने गया था, क्या क्या नहीं करने गया था। चलो गाइस मिलते फट से। चलो जाएंगे, परी आ गई। मुझे तो अजीब अजीब दिख रहा है इसमें तो। मैं अभी सो के उठी। अबे नहीं, दमन धूप का इफेक्ट मार रहा है। हाँ, क्यों ऐसा? मोबाइल खड़े ले लो, मोबाइल खड़े। गाइस देख रहे गरीब की इज्जत नहीं है, देख रहे गाइस। तुम्हारा तो अच्छा वाला फट रहा है, आयदा से ही आ रहा है। चलो जाएंगे, अभी क्या काम से आ रहे हैं? फ्रिज लेने। ले तो लिए कल? नहीं, इसको एडवांस पैसा दिए थे, अभी पूरा कैश देंगे तो कल डिलीवरी करेगा। ओके चलो जाते हैं जल्दी जल्दी। और गाइस मैंने एक काम रस्ते में कर लिया, बाकी बताया नहीं मैंने, तो अभी दूसरा काम ये कर लेते हैं। फिर तीसरा काम क्या है? खाना खाना। हाँ, आज मम्मी ने बनाया है सीख बिरयानी। हाँ चलो जल्दी चलो चलो बेटा। गाइस हम लोग आ चुके हैं विजय सेल्स में, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हमने फ्रिज ले लिए है, तो फ्रिज का पेमेंट कर रहे हैं अभी। यहाँ पर दानिश पेमेंट कर रहे हैं, जल्दी करो तो घर पर जल्दी फ्रिज आ गए। हाँ मालूम है, कल आएगा, आज पेमेंट होगी तो आएगा ना। थक गया ना तू? बेचारे यार बहुत थक गया, बाप रे बाप। आंटी रिसेट ट्रैफिक, और पसे इतनी गर्मी, इतनी गर्मी है, बाप रे बाप। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जाने का ना अपने को। हाँ मिला आंटी, मिला आंटी ने इतनी मोहब्बत से सीख बिरयानी बनाए लिया हमारे, तो हम खा भी ले। तुमने खाया? तुमने खा लिया? अरे मेरी बात ही तो अलग है ना। सो गाइस मैं आता हूँ ना, मच्छर खड़ी।
अच्छा 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 क्यों उसके निकल जाता जॉ लाइन से निकल जाता गया जैसे तुम्हें जैसे तुम्हें यहाँ पर जॉ लाइन है ना जॉ लाइन अभी जॉ लाइन फेड लाइन है गाइस यहाँ पर देखो दानिश को स्पेशल ट्रीटमेंट घर पे आते ही साथ ही तुम्हारे को एक ठंडा ठंडा जूस मिल गया जैसे जूस आया मेरे को पानी छूटा गले में बट फिर घर निकल गई जा रही सबर चलो भाई एडिट करो बाय बाय। सो गाइस फाइनली अब्बा को टाइम मिल गया हमारे ब्लॉग में आने का वरना इनके ब्लॉग से इनको फुर्सत नहीं मिल रही थी खुद का ब्लॉग ही बना बना कर रहे थे। हाँ हमारे ब्लॉग में आने को नहीं होता है इसके लिए अपना नाम ले लिया तुम लोग ने जीत अब्बा क्या हुआ पता है कि जब से दानिश ने ब्लॉगिंग हैंडल किया तब से तुमको लेना छोड़ दिया है। मैं बनाती हूँ ना तो मैं सबको लेती हूँ दानिश बनाता दानिश सिर्फ खुद को ही लेता है। हम अब्बा बोलते दानिश खुश नहीं है बोले मैं चैनल चालू किया तो मैं वही बोली अच्छा लेकिन पब्लिक कमेंट कर रही है कि तुम दोनों ही चालू करो चैनल मतलब तुम दोनों लड़ते रहो बड़े मियां छोटे सब कमेंट आए थे अब्बा के चैनल पे कि दानिश भाई और अंकल तुम लोग दोनों साथ में व्लॉग बनाओ मस्ती जैसा करते हो नौशन जी के व्लॉग में वैसे यही चैनल पे मस्ती बना करो बोला इसको नहीं बोलता है तो मैं क्या करूं अच्छा अभी तो अब्बा का साथ तो मम्मी देते हैं सब सब मिक्स करके डालना ऐसा कुछ जो पब्लिक जो हिसाब से सब्सक्राइब कर रही है वो हिसाब से तुम नहीं डालो वीडियो तो पब्लिक देखेगी पब्लिक को एंजॉयमेंट चाहिए बकरा नहीं चाहिए दिल नहीं है गाइस आएंगे आएंगे अभी से रोज आएंगे सब लोग ब्लॉग में आएंगे थोड़े थोड़े आएंगे लेकिन आएंगे जरूर आएंगे तो चलो अभी खाते हैं खाना अब्बा खा लिया खाना अब्बा तो जिम जाके आए वैसी मम्मी ने गरम गरम हाँ तो खा लो मैं भी तो वापिस खा रही हूँ एसिडिटी एसिडिटी होती है ये देखो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है बेचारा खत्म सबको बंटवारा दिए मम्मी ने सबको बांट दिए चलो चलो खा लो चलो चलो खाओ गरम गरम खुशी ना ये दादी से मिलने के लिए खास कर बोले दादी इतने दिनों बाद आए तो मिल लेती हूँ मैं देख साल में एक बार आते बाजू में देख देख हाँ ऐसा सब बात जाएगी अपने घर पे ही नहीं आएगी साल में एक बार आएगा दो दिन रुकने के लिए भी है ना मम्मी क्यों ऐसा हाँ मम्मी दादी आते क्यों नहीं ऐसा अरे वो दादी को वैसा करते नहीं अपन बाबा जाके चलो आ जाओ चार पाँच दिन वर्क बंद वही अच्छा लगता है अच्छा फिर वही है त्याग सब उम्मीद वो भी बता दो अभी बता दू दादी भी एडवाइस दे रहे उसको So guys, एक नवा मेहमान ये रिया हाय कैसा है कहाँ थाया क्या खाया तू तो पतला हो गया तू कुछ खाता नहीं वहाँ पर क्या खाता है हाँ क्या खाता है और क्या खाता है पंकज चालू दोनों की क्या तो दादी खाना बना के देती नहीं देसी घी का खाना देते ही नहीं तो देसी घी का खाना दिया करो बना के तुम्हारे जमाने का खाना दिया करो उसको तो मोटी होगी हाँ हाँ हो जाएगी हो जाएगी एक एक बाइट दे दे सबको बोलना खोलो एक एक टुकड़ा खाओ और दे दो वापिस क्यों सता रहे हो लोग को देख मामा ने सब छुपा के रखे तूने तो फोन में बोला था क्रिकेट लाना स्पाइसल लाना तो ये क्रिकेट में खा जाता नहीं क्यों इसने क्रिकेट बोला मेरे फोन में स्पाइसल लाके दिया तभी मैं खा जाता सो क्रिकेट लाके बाद में दूंगा
हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पर, मेरे घर पर, तो यहाँ पर लिफ्ट दोनों भी बंद हो गई, तो हम लोग को पैदल पैदल उतरना पड़ेगा। यू अभी उतर तो रहो, चढ़ोगे कैसा तुम रात को? दोनों लिफ्ट बंद है। अब बाली फले को गाली देंगे और अपना को गाली देंगे, ये बिल्डिंग का कभी मिल गया। सो गाइस, हम लोग आ गए थे घर पर और अभी खाने बैठे हैं। बहुत जोर से भूख लगी थी तो खाने में वही सुबह का जो था सीख बिरयानी। सो हमारे घर में चावल ख़त्म हो गए थे, सिर्फ सीख आलू और मसाला बचा था, तो मम्मी ने अभी एक्स्ट्रा चावल बना दिए हैं। सो ये बार पहली बार वसूल हुआ है खाना तुम्हारा, वरना हमें ऐसा बचता था जी ना मैंने। हाँ सर, यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा चावल है और सब हम लोग अपने अपनी प्लेटों में लेके बैठे हैं। यस, और फिर अब्बा भी खा रहे हैं, तो आज दादी जाके हेल्दी सो जाएंगे क्योंकि तुमको नींद आ रही है 5 बजे ना, 5:30 बजे क्या पता। हाँ सो सुबह से जा रहे छुट्टे हैं, सो एकदम दिल से वो जिम जा रहा है बेचारा, लेकिन आज जिम की रिकॉर्डिंग डाले नहीं है। सो अभी चलो करते हैं खाना फटाफट से, फिर मिलते हैं आप लोग आगे। तो अंकल बहुत नाराज थे, अंकल चुपचाप वहां पे बैठे हैं, ब्लॉग में आ रहे नहीं, क्या क्या हो गया उनको? वो उनका मूवी देख रहे साउथ इंडियन। यही ब्लॉग एंड कर रही हूं, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।